बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस मैमूना खान। आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू एंड द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज द लेजी गर्ल। क्या नेम इस स्टोरी का? The lazy girl. Dear students, it was a story of the diligent girl and the lazy girl. एक सुस्त लड़की की और एक फुर्तीली लड़की की, ठीक है? क्या स्टोरी है ये? एक डेलीगेंट गर्ल की और एक लेजी गर्ल की, ठीक है? द डेलीगेंट गर्ल वॉज वेरी सिंसियर हार्ड वर्क। शी ऑलवेज डू हर ऑल हाउस चोर बाय हार्ट, बट हर सिस्टर वॉज वेरी लेजी, ठीक है? क्या था इसमें? के एक डेलीगेंट गर्ल थी और एक लेजी गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज वेरी लेजी, शी डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क, ठीक है? वन डे हर फादर थॉट हर टू फाइंड अ जॉब एंड मेक सम मनी। She came across a tree. Who asked her to clean off the dry twigs from the branches of, and also give her water to drink? The delicate girl happily did what was requested and then went on her way. तो dear students, अब कुछ उर्दू में हो जाए। Dear students, मेहनती लड़की अपने काम से बहुत मुखलिस थी। वो हमेशा अपने घर के काम, तमाम मुश्किल काम मेहनत से करती थी, लेकिन उसकी बहन बहुत सुस्त थी। उसे कोई काम करना पसंद नहीं था। एक बार उसके वालिद ने सोचा कि वो नौकरी की तलाश करें और कुछ पैसा कमाएं, तो वो एक दरख्त के पास आ गई, जिसने उससे कहा ये जो लड़की थी, जो गर्ल थी, ये चलते चलते नौकरी की तलाश में एक दरख्त के पास आ गई, और दरख्त के पास आकर दरख्त ने उससे कहा कि वो मेरी जो खुश्क शाखें हैं, टहनियां हैं, इन्हें साफ कर दे और दरख्त में पानी भी डाल दे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम, अब आगे चले। आफ्टर वार्ड शी सॉ एन ओल्ड क्रैक्ड ओवन। Who asked her help to clean and fix him up? She do all work. As she was dirty after fixing it up. क्या हुआ था? Who asked her help to clean and fix him up? She do all work as she was dirty after fixing it up. But to all work happily. Yeah.
डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद उसने एक पुराने और टूटे हुए तंदूर को देखा, जिसने उससे कहा, उससे मदद मांगी कि मुझे साफ कर दीजिए, मुझे सही से फिक्स कर दीजिए। वो बहुत गंदा था, उसको पता था मैं भी गंदी हो जाऊंगी, फिर भी वो खुशी खुशी तमाम काम करती रही। ठीक है, हर इतना काम उसने अच्छा किया कि अपना पूरा उसका ओवन जो था, जिसने उससे मदद मांगी थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक क्लीन हो गया, साफ सुथरा हो गया। एज शी वॉक्ड ऑन शी सॉ अ डर्टी गोट हु आस्क्ड फॉर हर हेल्प टू क्लीन हिम अप। इवन थॉट शी गेट फेट एंड डर्टी, बट द डेलिकेट गर्ल डिड वॉट शी वॉज टोल्ड। जी स्टूडेंट्स, अब इसने चलते चलते एक गंदी बकरी को देखा। गंदी बकरी ने भी उसे अपने आप को साफ करने के लिए कहा, उससे मदद मांगी, जबकि वो बहुत गीली और बहुत गंदी थी। और इस गर्ल को पता था कि जब मैं इसे क्लीन करूँगी तो मैं बहुत गंदी हो जाऊँगी और बहुत गीली हो जाऊँगी, लेकिन उसने वही किया जो गोट ने उससे कहा था। Then she came upon a fairy's house, who offered her a job to clean the house for 1 year. The fairy said, There are 7 rooms in this house. You need to clean 6 of them, and you must never ever enter the 7th room. The diligent girl did what she was told. Dear students, अब वो परी के घर आई, जिसने उसे 1 साल के लिए घर को साफ करने के लिए मुलाजमत दी। जब वो परियों के महल में पहुंची, तो परियों ने उसको 1 साल के लिए रख लिया। ठीक है, और परी ने उसको समझाया कि इस महल में 6 कमरे हैं, 7 कमरे हैं, सॉरी कितने रूम्स हैं, 7th rooms हैं, लेकिन आपको सिर्फ 6 कमरों की सफाई करनी होगी, और कहा कि 7वें कमरे में कभी भी नहीं दाखिल होइएगा, आप कभी भी 7वें कमरे में दाखिल नहीं होइएगा। मेहनती लड़की ने वही किया जितना उससे कहा गया था। आपको तो पता था कि वो लड़की उतना ही सुनती थी, उतना ही काम करती थी जितना उससे कहा जाए, वो अपनी मर्जी कभी भी नहीं चलाती थी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब बाकी की स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर शी टोल्ड द फेरीज शी वॉन्टेड टू गो होम। The fairies opened the 7th room, and inside was full of gold and silver. The fairy told to slip on top of the gold and silver. Anything that stuck to her dress is now hers as payment for her year of hard work. This was her reaction as what her reaction every time somebody gave her an instruction. Okay? अब इस मेहनती लड़की ने साल के आखिर में परियों से कहा कि मैं अब घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे 1 साल के लिए रखा गया था। अब परियों ने उसको 7वें कमरे को खोला,
और उसे अंदर जाने को कहा। जब वो अंदर दाखिल हुई तो वो रूम सोने चांदी से भरा हुआ था। तो परी ने उसको सोने चांदी पर सोने के लिए कहा कि आज आप रात इस सोने चांदी पर सो जाइए। खैर, जब परी ने उससे सोने चांदी पर सोने के लिए कहा और कहा जितना सोना चांदी आपके कपड़ों में स्टक हो जाएगा, चिपक जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, वो सब आपके लिए होगा। उसने कहा ठीक है, जैसे वो हर दफ़ा कहती थी, क्योंकि उसे यही बताया गया था कि जो जैसा कहे, यानी कि आपका मालिक जैसा कहे, आपको वैसे ही करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम ऑन स्टोरी। मैनी गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस स्टक टू हर बॉडी। शी वॉज वेरी थैंकफुल टू हर फेरी एम्प्लॉयज एंड स्टार्टेड हर जर्नी होम। When she reached the river, she came upon the goat, whom she has helped clean before. The goat was all covered by gems and jewels. The goat asked her to take as much as she went. सोने और चांदी के बहुत से सिक्के उसके जिस्म से चिपक गए थे। किसके? डेलिगेंट गर्ल के, जब वो वहाँ सोई थी। और वो परियों की बहुत शुक्रगुजार थी। अब वो घर की तरफ चलना शुरू हो गई थी। जब वो नदी पर पहुँची तो बकरी भी आ गई, जिसको इसने पहले से साफ करने में मदद की थी। बकरी ने बहुत से हीरे जवाहरात उसको दिए, क्योंकि वो बकरी पूरी हीरे और जवाहरात से ढक चुकी थी। तो उसने कहा कि आप इसमें से जितना लेना चाहें आप ले लें, आपने मेरी मदद की थी, आपको जितना जेवर सोना चांदी चाहिए आप वो ले लें। तब वो लड़की ने उससे वो गिफ्ट लिए और अपने रास्ते पर चली गई। देन द गर्ल went on her way. She then came across to the oven. Who offered her delicious bread that was freshly baked. Since she was hungry, the delicate girl took bread and then went on her way. उसके बाद वो तंदूर के पास पहुंची। आपको याद है तंदूर को साफ करने में इस लड़की ने मदद की थी। जब वो बहुत गंदा था, टूटा हुआ था, तो किसने मदद की थी? इसी गर्ल ने इसकी मदद की थी। जब वो तंदूर के पास पहुंची तो तंदूर ने उससे मज़ेदार रोटी पेश की, जो ताज़ा और गर्म थी। मेहनती लड़की रोटी लेती है और अपने रास्ते पर चलने लगती है। Afterwards, she came across the old tree. The old tree offered her the ripe grapes to eat and also tell her to pack some for home. उसके बाद वो उसी पुराने दरख्त के पास पहुंची। उससे बहुत खुश था वो दरख्त, उससे बहुत खुश था। जिस इस दरख्त की भी तो उसने हेल्प की थी ना, उसकी खुश टहनियाँ जो थी वो साफ की थी, उसमें पानी डाला था। तो इस दरख्त ने इससे कहा कि ये पके हुए अंगूर आप ले जाएं और कुछ घर के लिए भी पैक कर लें। सून शी रीच होम, हर फादर एंड हर सिस्टर वेलकम हर। In the after that, her sister saw her with lots of jewels and gems. This made her sister very angry and said,
आई कुड अर्न मोर. नेक्स्ट डे द लेजी गर्ल वेंट ऑफ टू लुक सम वर्क एंड केम अक्रॉस द ओल्ड ट्री. Who was once again tired, just like what happened with the diligent girl. The old tree asked for her to clean off the dried twigs. To this, the lazy girl replied, "No, I cannot do this. I have to find work and make money. I have no time to help you." जल्दी वो मेहनती लड़की अपने घर पहुंच गई. उसके वालिद और बहन ने उसका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया. उसकी बहन उसे जेवरात और जवरात के साथ देखा तो उसकी बहन नाराज़ हो गई और कहा कि मैं और ज़्यादा कमा सकती हूँ. इसकी जो बहन थी ना, जो लेज़ी थी, वो उसको देख के नाखुश हो गई और कहा कि मैं तो इससे भी ज़्यादा कमा सकती हूँ. अगले दिन वो सुस्त लड़की कुछ काम देखने के लिए घर से निकली ताकि वो अपनी बहन से ज़्यादा कमा कर ला सके. तो वो चलते चलते दरख्त के पास पहुँची जो अब दोबारा खुश्क हो चुका था. दरख्त ने उससे कहा कि मेरी आप साफ़ सफाई कर दीजिए, जितने खुश्क टहनियाँ हैं उनको साफ़ कर दीजिए, उनको हटा दीजिए और पानी डाल दीजिए. ओहो, ये क्या कह दिया ट्री ने. इस पर सुस्त लड़की ने जवाब दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और कोई काम तलाश करना है जिससे मैं पैसा कमा सकूं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम ऑन स्टोरी. शी देन वेंट एंड कम अक्रॉस द ब्रोकन ओवन. द ओवन आस्क्ड फॉर हर हेल्प टू विच द लेजी गर्ल रिप्लाइड, क्लीनिंग योर विल टाइड मी एंड आई डोंट वॉन्ट टू गेट टाइड. द लिटिल डर्टी गोट कौन सी द लिटिल डर्टी गोट द लिटिल डर्टी गोट अप्रोच हर एंड आस्क हर फॉर हेल्प टू क्लीन हिम. गोट, इफ आई टच यू आई विल बी डर्टी. After some time, she came upon the fairy's house, went in and asked for work. उसके बाद वो टूटे हुए तंदूर के पास आ गई. तंदूर ने कहा उस सुस्त लड़की से कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, मैं टूट फूट चुका हूँ, मुझे जोड़ दीजिए, मुझे अच्छा सा बना दीजिए, मुझे साफ़ सुथरा कर दीजिए. जिस पर लेजी गर्ल ने उसको रिप्लाई किया, आपको साफ करते करते मैं थक जाऊंगी और मैं थकना नहीं चाहती. अब वो आगे चलती है तो उसे बकरी नज़र आ जाती है. वो बकरी बहुत डर्टी होती है और उससे मदद मांगती है कि प्लीज़ आप मुझे साफ़ सुथरा कर दीजिए. तो ये जो लेज़ी गर्ल थी उसको जवाब देती है कि मैं आपको नहीं छूंगी, अगर मैं आपको छूंगी तो मैं भी गंदी हो जाऊंगी, मैं आपको बिल्कुल टच नहीं करूंगी. और वो उसके बाद परियों के घर तक आ जाती है, यानी कि वो परियों के घर तक पहुंच जाती है और अंदर जाकर काम मांगती है. Similar to the diligent girl, the fairies offered her work
for a year, but warned her not to enter the seventh room. You must clean all six of them, but you must never ever enter the seventh room. The girl agreed and started working for the fairies. For a few days, she did as told. But one day, she decided to sneak into the seventh room. The room was dark, but she went in anyway. The door closed behind her, and bugs and insects attacked her and bite her everywhere. डेलिकेट गर्ल की तरह परियों ने उसे भी एक साल के लिए ऑफर की कि आप एक साल के लिए हमारे घर की साफ सुथराई कर सकती हैं। उन्होंने उसको भी यही समझाया कि हमारे घर में सेवेंथ रूम है, आपको सिक्स रूम की सफाई करनी है और कभी भी सातवें रूम में नहीं जाना। और इस लड़की ने इत्तफाक भी किया इससे कि ठीक है, मैं सातवें रूम में नहीं जाऊँगी। कुछ दिन के बाद उसने सातवें कमरे में चुपके चुपके रहने का फैसला किया। क्यों सातवें कमरे में जाना चाह रही थी और रहना चाह रही थी, उसे पता था। उसकी बहन ने उसको स्टोरी सुना दी थी कि मैं गई तो सोना चांदी इस तरह मुझे चिपक गए थे और वो मुझे ही दे दिए गए, तो इसने सोचा मैं भी ऐसे ही करती हूँ। उसने सातवें कमरे में चुपके चुपके रहने का फैसला कर लिया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फिर भी वो अंदर चली गई और दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया और कीड़े मकौड़ों ने उस पर हमला कर दिया और जगह जगह काट लिया। क्या कर लिया? जगह जगह काट लिया। जबकि फेरीज उसको समझा चुकी थीं कि आपको सिक्स रूम की सफाई करनी है, सेवेंथ रूम में नहीं जाना है, ये फिर भी उस सिक्स रूम सेवेंथ रूम में जाती है सातवें कमरे में और वहाँ इतना अंधेरा होता है, अंदर जाती है दरवाज़ा भी बंद हो जाता है और वहाँ पर होते हैं बहुत सारे चमगादड़ और बग्स और कीड़े मकोड़े इसे काट भी लेते हैं जगह जगह। ओ गॉड। Then fairies tell her, I told you not to enter the seventh room. The fairies called out. She ran out bleeding and she ran out bleeding and bruised. She came across the goat and she wanted to catch the goat for get some furs, but she cannot. After that, lazy girl went away. She ran until she came upon the oven. She was very hungry, and then she saw fresh bread in oven. When she tried to pick fresh bread, but the oven cast her away with its flames. Chased her away
फिर क्या हुआ? परियों ने उससे कहा कि हमने तुम्हें मना किया था कि तुम सातवें कमरे में नहीं जाना, अब तुम जा सकती हो, तुमने नाफरमानी की है। अब तो उसे जिस्म से खून और ज़ख्म बह रहा था और ज़ख्म हो चुके थे। वो भागते भागते बकरी के पास आई और कहा कि मुझे कुछ मोती वगैरह दे दो। बकरी ने मना कर दिया कि जब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी तो आपने मेरी मदद नहीं की। हो बेचारी, अब वो चलते चलते तंदूर के पास आ गई। तंदूर में ताज़ा रोटी बन रही थी और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो तंदूर ने आग के शोलों से उसे दूर कर दिया और कहा, आपने मेरी मदद नहीं की थी जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, चली जाओ, मैं आपको रोटी नहीं दे सकती। ओके, द गर्ल कंटिन्यूड हर जर्नी होम। शी वॉज हंग्री, थ्रिस्टी एंड टाइट। देन द लेजी गर्ल केम अपॉन द ओल्ड ट्री। द ट्री हैड अ लॉट ऑफ फ्रूट। व्हेन द लेजी गर्ल रीच आउट ऑफ द फ्रूट्स, द ओल्ड ट्री टोल्ड हर, यू डिड नॉट वॉन्ट टू स्पॉइल योर हैंड्स when indeed your help, you cannot have any of my fruits now, go away। लड़की ने अपने घर का सफ़र जारी रखा। वो भूखी थी, प्यासी थी और थक भी गई थी। अब वो सुस्त लड़की पुराने दरख्त तक पहुंच गई और फिर उसने चाहा कि मैं इस दरख्त में से फल तोड़ लूं। तो दरख्त बोला, खबरदार, जो आपने मेरे फलों को हाथ लगाया, जब मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी तो आपने इनकार कर दिया, अब आप जा सकती हैं। द गर्ल वॉक्ड होम। हर फादर एंड सिस्टर सॉ हर इन डर्टी क्लोथ एंड इंजर्ड एंड शी वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी to her father and sister. After that, the delicate sister talked her, remember sister, the hard working is very important in life. And also her father talked her, if you will be honest and hard work in your life, you will be rewarded for sure and at last. She understand and also apologize to her father and sister. And then she work very hard and do all work, and also both sister work together to help her father, and they live happily. Productive and peacefully. लड़की घर पहुंची, उसके वालिद और बहन ने उसे गंदे कपड़े और जख्मी हालत में देखा तो अफसोस करने लगे। क्या करने लगे? अफसोस करने लगे कि इसकी क्या हालत हो गई। और वो लड़की खुद भी गिल्ट फील कर रही थी। अब उसकी मेहनती बहन ने उससे कहा, जो उसकी डेलिकेट सिस्टर थी, उसने उसे सबक सिखाया कि ज़िंदगी में मेहनत बहुत ज़रूरी है। और उसके अब्बू ने भी उसे ईमानदारी से ऑनेस्टली काम करने का सबक दिया और आखिरकार वो बहन की और वालिद की बात समझ गई और उनसे माफ़ी मांगी और अपनी बहन के साथ हर काम में हाथ बटाती, अपने वालिद की मदद करती। अब उसे समझ आ गया था
कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं और गंदा नहीं होता। उसको ये बात उसके वालिद से और सिस्टर से समझ आ गई थी कि कोई काम गंदा नहीं होता, कोई काम बुरा नहीं होता, अगर मेहनत से किया जाए कोई भी काम तो मेहनत में ही अज़मत है और काम में सुस्ती नहीं करनी चाहिए और जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही अमल करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी आज की स्टोरी और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? अब मैं जब आप लोगों से इस स्टोरी को अच्छी तरह सुन लेंगे, आप इस स्टोरी को समझ लेंगे, तो मैं जब हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी, ये स्टोरी आप तक पहुंच चुकी होगी, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक इट, आपने इसको पसंद किया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।